मैं एक मॉडल ओपन कर रहा हूँ जिसमें अभी मेरे को एक प्रोग्राम चेंज करना है, तो देखते हैं कैसे प्रोग्राम चेंज करने है, तो आप लोगों को दिखाते भी है, जाइए देखते हैं। नमस्कार प्रणाम दोस्तों, क्या हाल है। तो आज का ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और आज हम आ चुके हैं कंपनी, अभी देखिए कंपनी पीसी चालू कर रहे हैं अभी प्रोग्रामिंग के लिए। और ये रहा हमारा पीसी, और ये हमारा ऑफिस है देख सकते हैं। इधर यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, देखिए नीचे लोग काम कर रहे हैं। तो आज आप लोगों को दिखाएंगे कि प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं और कौन सा सॉफ्टवेयर है हमारे पास जिससे हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये देखिए हमारे पास अभी पॉपअप आ गया है विंडो पे यस करने के लिए, जो अभी हम यस करेंगे। और हमारा सॉफ्टवेयर आपको दिखाते हैं, ये देखिए आपको दिखा देता हूँ। ये यारा हमारा सॉफ्टवेयर वर्केंसी करके सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। ये देखिए ये हमारा प्रोग्रामिंग करने का सॉफ्टवेयर है। अभी मैं एक मॉडल ओपन कर रहा हूँ जिसमें अभी मेरे को एक प्रोग्राम चेंज करना है, तो देखते हैं कैसे प्रोग्राम चेंज करना है, तो आप लोगों को दिखाते भी है, जाइए देखते हैं। तो ये देखिए रहा हमारा 10 नंबर का प्रोग्राम जो अभी आउटर में चल रहा है। ये आउटर का प्रोग्राम थोड़ा हमें चेंज करना है क्योंकि अभी थोड़ा इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसको क्या करेंगे, हम कॉपी करेंगे, इसको नीचे ले लेंगे। उसके बाद थोड़ा इसमें चेंजेस करेंगे क्योंकि एक प्रॉब्लम आ गया है इसमें। और इसमें हमको क्या करना है, लेटर स्टॉक जो है ना उसको माइनस करना है ताकि थोड़ा जॉब माइनस हो। तो अभी फिलहाल है यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है यहाँ पे -05 है। तभी हम इसको माइनस करेंगे, -0.08 ना माइनस करने का है। उसके बाद RPM भी ज़्यादा हो गया इसको, तो हम RPM थोड़ा कम करेंगे 42,000। उसके बाद ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है इसमें क्योंकि प्रोग्राम बना हुआ है पहले से, तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। अब उसने हमको हमने इसमें क्या किया, चेंजेस किया और कैलकुलेट कर रहे हैं अभी इसको, ये प्रोग्राम जनरेट हो रहा है। तो ये देखिए हमारा प्रोग्राम जनरेट हो चुका है, 20 नंबर का प्रोग्राम है जो हमने अभी चेंज किया। और ये देखिए अभी इसको हम चेक करेंगे कि प्रोग्राम बराबर बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, मॉडल थोड़ा हाइड करेंगे और इसको चेक करेंगे कि अंदर तो नहीं जा रहा है कहीं, क्योंकि सॉफ्टवेयर में कैसा रहता है कभी कभी सॉफ्टवेयर अंदर भी चला जाता है, इसलिए इसको मॉडल हाइड करने के बाद देखना भी पड़ता है कहाँ पे कटर जा रहा है कहाँ पे नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा इतना काम करने का प्रोग्राम चेंज करने का हो गया है। अभी आप लोगों को दिखाएंगे कि नया मॉडल कैसे बनाते हैं और कैसे प्रोग्राम बनाते हैं, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो आएगा कल, तो कल वीडियो जरूर देखना। और अभी आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।